दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर्स को डिस्कस करने वाली हूँ और ग्रामर का ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगी वीडियो को, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। नंबर दो टाइप का होता है, सिंगुलर प्लूरल। नाउन जो एक पर्सन, एक एनिमल, प्लेस या थिंग को एक्सप्रेस करता हो, उसे हम लोग सिंगुलर इन नंबर कहेंगे। अगर एक वर्ड में कहे तो एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक पॉइंट टू बी नोटेड कि एक। एग्जांपल देखें, बॉय, टाइगर, पार्क, टॉय एक्सेट्रा। ये सभी के सभी जो है सिंगल है, एक ठो बॉय, एक टाइगर एक्सेट्रा, है ना। तो इस हिसाब से ये सारे वर्ड्स जो है सिंगुलर हो गए। अब प्लूरल, एक नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति, एनिमल, प्लेस या थिंग को एक्सप्रेस करता हो, तो उसे हम लोग प्लूरल इन नंबर बोलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि मोर देन वन, एक से अधिक होना चाहिए, तो समझ लो वो प्लूरल नाउन है। एग्जांपल को देखें, बॉयज, टाइगर्स, पार्क्स, टॉयज एक्सेट्रा। आई थिंक हम ये कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी एक वीडियो में कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, बट ये स्पेशल वीडियो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो एग्जांपल्स को देखो, बॉयज जो है उसमें एस ऐड हुआ है और एस ऐड करने से मतलब समझ में आ रहा है बहुत सारे लड़के, तो ये हो गया बॉयज, यानी कि प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन, ये तो सबको पता है। हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होता है जब भी हम लोग इस तरह के पार्ट्स को समझने जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए एक लाइन है, सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ये दोनों अगर याद रखें तो नंबर्स को हम लोग आसानी से ही याद रख पाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल को। सिंगुलर को फॉर्म करने का तो कोई रूप नहीं है, वो तो जैसा उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसी तरह रहता है ना। बट प्लूरल को ही हम लोग फॉर्म करते हैं, कभी एस जोड़कर, कभी यस जोड़कर, कभी आई एस जोड़कर। तो उन्हीं सबको करने के लिए, यानी कि प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए किसी ओरिजिनल वर्ड को, बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।